brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. यूपी में चुनावी माहौल गर्म है और कितना गर्म है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह के बीच मुलाकात हुई है और सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक कयासों का बाजार गर्म हो गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक अमित शाह और राजा भैया के बीच किस बात को लेकर मुलाकात हुई है, खासकर उस समय में जब चुनाव पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी की ओर बढ़ रहा है। दावों की माने तो गृह मंत्री शाह और राजा भैया के बीच अभी एक राउंड की और बातचीत होगी। राजा भैया और उनके प्रभाव वाली सीट पर किस तरह से भाजपा जीत दर्ज कर सकती है, इस मामले पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई है। साथ ही ठाकुरों की नाराजगी का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए, इस पर भी दोनों ने चर्चा की है। राजा भैया यूपी के बड़े ठाकुर नेता माने जाते हैं, ऐसे में आने वाले चरणों में भाजपा को ठाकुरों की नाराजगी न झेलनी पड़े, इसलिए पार्टी हर तरह की कोशिश कर रही है। ऐसी चर्चा है कि यूपी में पहले दो चरण के मतदान में ठाकुरों की नाराजगी की वजह से भाजपा को नुकसान हो सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि राजा भैया चाहते थे कि इनकी पार्टी के नेता शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़ें और बीजेपी उनका साथ दे, पर ये नहीं हो पाया। भाजपा ने वर्तमान में सांसद विनोद सोनकर को ही टिकट दिया है। इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी से भी इस फॉर्मूले को लेकर संपर्क किया था, लेकिन बात बनी नहीं। अखिलेश यादव ने पार्टी के सीनियर लीडर इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को इस सीट से टिकट दे दिया है। दरअसल राम मंदिर से लेकर कई मुद्दों पर राजा भैया बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी राजा भैया और बीजेपी और योगी सरकार की नीतियों की तारीफ वो कर चुके हैं। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के यूपी में दो विधायक हैं, साथ ही प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीटों पर उनका प्रभाव भी अच्छा खासा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद राजा भैया ने अब कौशाम्बी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कह दी है। अमित शाह से उनकी मुलाकात बेंगलुरु में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हुई थी। दरअसल कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर को फिर से टिकट दिए जाने से राजा भैया पहले असहज थे, क्योंकि सोनकर ने उनका कई मौकों पर खुलेआम विरोध किया था। हालांकि दावों की माने तो बदलते हालातों के बीच हुई इस मुलाकात में राजा भैया ने अमित शाह को आश्वासन दिया है कि वो अब बीजेपी के उम्मीदवार विनोद सोनकर को सपोर्ट करेंगे। बता दें कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया पहले भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं, लेकिन कौशाम्बी सीट को लेकर उनके मन में कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी। हालांकि दावों की माने तो अमित शाह से मुलाकात के बाद सब कुछ साफ हो गया है, और इसी के साथ राजा भैया ने भी खुलकर कौशाम्बी से बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर का समर्थन करने की बात कह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।